कहाँ रहता है? मम्मी पापा के साथ। तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरे साथ। तुम तीनों कहाँ रहते हो? एक साथ। मेरा मतलब तुम्हारा घर कहाँ पे है? पड़ोसी के घर के पास। तो पड़ोसी का घर कहाँ है? मेरे घर के पास। ओ भाई भीड़ बहुत हुई पड़ी यार, नीचे जा यार। ओ भाई मैं नहीं जा रहा यार, तू जा। ओ भाई जाना यार। भाई ऊपर ऐसा जगह बन गई। एक मिनट आया मैं। मैं साले फोन लाने की औकात नहीं है, मेरे फोन से पबजी खेल खेल के मेरा फोन खराब करेगा। ले भाई पबजी खेल। अरे भैया मैंने मार्केट में एक नई बाइक देखी है, मुझे पैसा दो ना, मेरे को वो लाना। ये ले तेरे को जो पसंद हो वो ले आना। थैंक यू भैया। भैया। हाँ बोल। सेठ अपने भाई को सब कुछ दिला देते हैं, मैं आपसे कुछ भी मांगता हूँ आप मुझको क्यों नहीं दिलाते? मेरे भाई हम लोग यहाँ नौकर इंसान है, हम लोग उनकी तरह ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। अरे भाई 10 अंडे पैक कर दो। भैया तुम बड़े भैया बनने के लायक नहीं हो। अरे भैया ये क्या बोल रहा है? भैया छोटा भाई है मेरा, वो ऐसा ही है वो तो। अरे बोलो बोलो क्या बात। अरे है अरे भाई मेरा जो सेठ है वो अपने भाई के सारे सपने पूरे करता है, और यही सब देख के मेरा छोटा भाई भी जिद करता है, और मैं चाहकर भी उसके सपने पूरे नहीं कर पाता, इसलिए वो नाराज होकर चला। अरे उसको नाराज क्यों करते हो, क्या मांग रहा था वो? भैया वो 15,000 का मोबाइल मांग रहा है, कहाँ से लाके तुम? ये लो भाई 15,000 रुपए, उसको मोबाइल ला देना, और उसको आगे जो भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं उसको दिला दूंगा। और हाँ उसको ये मत पता चलने देना कि मैंने उसकी मदद की है, हमेशा तुम उसकी नजरों में हीरो बनकर रहना, मुझे पता है कि भाई भाई का प्यार क्या होता है, ठीक है? या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला। यो शे शे योरे ना, मैंने सुना है तुम्हारे घर जो भी मेहमान आता है तुम उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो। खिलाते ना, पेट भर के खाना खिला दे। ओ अच्छा, तो कल मैं और मेरे पापा आएंगे तुम्हारे घर मेहमान बन के खाना खाने के लिए। हाँ आओ, हमारे घर पे जो भी मेहमान आते ना हमको 2-2,000 रूपए दे के जाते, मेरे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को दिया ना। आ रही 2 मिनट में। No.